बीते रात जिस तरीके से दानापुर में जनता दल यूनाइटेड के नेता को गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद अब इस बात को लेकर सियासत शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर एक व्यक्ति ने हमला किया, हालांकि मानसिक रूप से वो विचित्र था, लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होना और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के नेता की हत्या होना, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार बिहार सरकार कैसे चला रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर इस तरीके से हमले हो सकते हैं और दानापुर में जो घटनाएं घटी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव ने भी सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ घटना घटी है तो लोकतंत्र में इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं और कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों पर होगी, लेकिन देखिए कि जो दानापुर में घटनाएं घटी है कौन लोग हैं, किसने इस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया है, क्या कारण रहा, इन तमाम मुद्दों को लेकर जब पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो से मीडिया द्वारा बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि ये दो तरह का मामला समझ में आ रहा है। एक तरफ जो है वो जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव हैं उसको लेकर रंजिश हो सकती है और दूसरा भूमि विवाद को लेकर भी ये मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जो दूसरा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है वो मामला पूरी तरह से स्पष्ट है। जिस लड़के ने मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ उठाया था उसका कोई पारिवारिक क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और ना ही उस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना के एसएसपी? ये भी कहा जा रहा था कि उसकी जांच की जा रही है। हाँ। क्या सर उसमें अपडेट? उसमें सारे जांच किया जा चुका है उनका, उसका कोई भी किसी प्रकार का आपराधिक पृष्ठभूमि उसके या उसके परिजनों का नहीं पाया गया है। उसके बाद उसका जो निर्देश था उसका हम लोगों ने प्रिलिमिनरी हेल्थ असेसमेंट वहाँ से सीएचसी से करवाया गया, फिर उसको वहाँ से सेक्रेटरी वार्ड पीएमसीएच में रेफर किया गया जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है और उसका पूरा जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है संबंधित विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है। ये कल 9:40 की मामला है, ये आ रहे थे एक फंक्शन अटेंड करके आ रहे थे, जैसे अपने घर के पास पहुंचे हैं तो घर के बाहर ही अपनी गाड़ी उतारी इन्होंने, उतरे फिर वहां से कुछ इनके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको देखने के लिए चले। इसी क्रम में जो कुछ साक्षियों का बताना है कि तीन लड़का एक बाइक पर आया और टोटल 5 गोली फायर किया जिनमें से 3 इनके बॉडी पर लगी हैं, फिर इनको पारस हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहाँ पर इनको मृत घोषित किया गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं एफआईआर होने का। इसके बीच में कुछ क्लोज जोन के जो परिजन हैं उन लोगों से हमारा बातचीत हुआ था, उन लोगों ने कुछ बातें हम लोगों को बताई हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होगी तो फिर आगे की उसी दिशा में अनुसंधान की कार्रवाई की जाएगी। किस मामले में इसमें देखें अलग अलग बातें आ रही हैं क्योंकि अभी औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इसमें जो दो मेन चीज़ें आ रही हैं, एक तो भूमि के साथ संबंधित विवाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कर रहा है, एक आ रहा है कि जो आगामी नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर भी रंजिश हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर तभी हम लोग आगे की बात करेंगे जब औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज होगी, क्योंकि घर वाले उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को कोई ना कोई हिंट या क्लू जरूर देंगे। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने ले लिया है, वो हमारे पास उपलब्ध हो चुका है और तकनीकी विश्लेषण वाला हमारा काम ऑलरेडी जा चुका है। एफएसएल की जो टीम है विधि विज्ञान प्रयोगशाला की साइट को विजिट कर चुकी है और कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो थे जो जिन्होंने घटना को देखा उनका बयान हम लोग ऑलरेडी कलमबंद कर चुके हैं। केवल और केवल हम सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने की वेट कर रहे हैं। सर